एक बड़ी खबर लखनऊ से आज आ सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की दूसरी सूची, कई सिटिंग सांसदों का टिकट कट भी सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की इस सूची में बताया जा रहा है कि कई सांसद मौजूदा जो है उनके टिकट काट सकती है पार्टी। वरुण गांधी, मेनका गांधी, ब्रजभूषण के टिकट पर अभी संशय बना हुआ है। पहले लिस्ट में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कदमताल करते हुए आगे बढ़ रही है और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये मंथन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार जारी है। वरुण गांधी, मेनका गांधी और ब्रजभूषण के टिकट पर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है कि टिकट कटेगा या बचेगा, ये तो सूची आने के बाद ही पता चलेगा। पहले लिस्ट में 51 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुके भारतीय जनता पार्टी, दूसरी सूची का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी 17 या 18 मार्च को दूसरी सूची जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर सामने आई है। इस बीच मौजूदा सांसदों की सांसें भी अटकी हुई हैं, कहीं टिकट ना कट जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिन्हें डर सता रहा है कि कहीं टिकट कट ना जाए। और ऐसे आसार भी हैं कि मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन देखने की बात होगी कि कितने मौजूदा सांसदों के टिकट कटते हैं, कितने नए चेहरे आते हैं, ये देखने की बात रहेगी। और अब यही वजह है कि सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ कि टिकट मिलेगा किसे और कटेगा किसका। पहले लिस्ट में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे और दूसरी सूची में देखना होगा कि कितने उम्मीदवारों का ऐलान करती है भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा सांसद है कितने सांसदों का टिकट कटेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, देखिए, जब पहली सूची जारी हुई तो 51 उम्मीदवारों का ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। दूसरी सूची को लेकर अवनीश संशय बना हुआ है कि मौजूदा सांसदों के टिकट कट भी सकते हैं बताया जा रहा है।